आपके प्यार से टाइटल जीता और जर्सी पहन के महफिल पे उतर। दोस्तों रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस छोड़ने के बाद आरसीबी में शामिल होने पर हार्दिक पांड्या ने मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का ऑप्शन खत्म हो चुका है और सभी टीमें अपने अपने खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल कर चुके हैं। तो वहीं इसी बीच मुंबई इंडियंस टीम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहले मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल कर ली थी और फिर रोहित शर्मा कप्तान से हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बना दिया था। इसके बाद रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर आरसीबी के द्वारा मिली गई करोड़ों रकम लेकर आरसीबी ज्वाइन कर लिया। इस पर हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को वीडियो कॉल पर कहा कि मुझे अचानक पता चला कि मुझे मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया गया है। मैं इसलिए आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि आप मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं और मुझे आप ही से मैंने सब कुछ सीखा है। तो आप रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से सबसे घातक खिलाड़ी किसे मानते हैं? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।